One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. BinTech, excellence with values. आज जो ऑडिशंस चल रहे हैं कहाँ कहाँ तक ऑडिशंस हो गए, कितने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? हाँ, पहले मैं अपने बारे में बता दूँ कुछ। मेरा नाम पंकज माथुर है और DMS आरोही सोसाइटी हमारी जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है दिल्ली में, तो हम लोग एक वॉइस की तलाश में हैं जो दिल्ली NCR की आवाज़, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दिल्ली के NCR की एक आवाज़ निकालें। तो ऑडिशन गुड़गांव में हो गए और दूसरा ऑडिशन अब नोएडा में चल रहा है और तीसरा दिल्ली में है नवंबर में। अब तक कितने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट हो चुका, कितने बच्चों ने अपना ऑडिशन दे चुके हैं? अभी 250 से ऊपर जा चुके हैं ऑडिशन। हाँ, ऑडिशन अभी दिल्ली और गुड़गांव मिला के। अच्छा। हाँ, तो अभी सॉरी नोएडा एंड गुड़गांव मिला के अभी दिल्ली बाकी है। दिल्ली बाकी है। तकरीबन कितने बच्चों को सेलेक्ट किएंगे और कितने फाइनल में पहुँचेंगे बच्चों को सेलेक्ट करते? देखिए, फाइनल में तो टॉप 20 को लेके जाएंगे, तो अभी दो राउंड्स और होने हैं, इसके बाद इस बार क्वार्टर फाइनल होना है, फिर सेमीफाइनल होना है। इन बच्चों को ऑडिशन किस लिए लिया जा रहा, कब प्रोग्राम होगा, कहाँ प्रोग्राम, कुछ ऐसा? प्रोग्राम तो हम जो नाम क्या है प्रोग्राम का? प्रोग्राम को वॉइस ऑफ दिल्ली NCR, जो आवाज़ हम जो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश है कि सिर्फ फोर्ट में करें और उसकी थोड़े दिन में हम आपको ज़रूर बता देंगे कहाँ हो रहा है। और इसमें आपने और क्या पूछा? दूसरा चीज़ यह है कि इसमें कौन कौन से चीफ गेस्ट आएंगे, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे? हमारे दिल्ली के काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, शंकर सानी हैं, डॉक्टर राधिका चोपड़ा हैं और संदीप मारवा जी हैं यहाँ के, और बॉम्बे से जीतू शंकर जी हैं, तलत अजीज़ है जो काफ़ी रेनॉर्ड गज़ल सिंगर हैं, और नदीम श्रवण में श्रवण जी हैं और शिवानी कश्यप है, ये लोग बॉम्बे से आएंगे। तकरीबन जो है कितने, अगर एज ग्रुप के हिसाब से बात की जाए तो कितने की डिवाइड कैटेगरीज में बांटेंगे? इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक आठ साल से लेके 55 साल तक। तो 8 जूनियर है, सुपर सीनियर है जो 55 साल वाला है, और बीच में सीनियर विंग है। कितने घंटे ये प्रोग्राम चलेगा, फाइनल जब होगा? फाइनल में देखिए 20 को तो लेके जाएंगे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, प्लस हमारे सेलिब्रिटीज़ के जो भी उनकी सिंगिंग हुई, तो 3-3.5 घंटे 4 घंटे का तो प्रोग्राम हो गया होगा तो फिनाले में। ओके, तो ये अभी तक बात करते हैं तो यहाँ के दिल्ली NCR जो कहाँ कहाँ से बच्चे आए हैं अभी ऑडिशंस देने के लिए? आज पूरे गुड़गांव से काफ़ी आए, इधर हमारे मेरठ से आए हैं लोग, हापुड़ से आए हैं लोग, तो गुड़गांव में हापुड़ से भी एक लड़की आई थी, तो काफ़ी लोग दूर दूर से भी आ रहे हैं, और बरेली से काफ़ी हमारे पास आए कि बरेली की भी वॉइस का करिए, तो बरेली में भी काफ़ी टैलेंट है, तो देखिए ऊपर वाले ने चाहा तो आगे हम फिर यहाँ से दिल्ली के बाद UP जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, पंजाब जाएंगे वॉइस के देखने के लिए। थैंक यू सर। सही मगर तसल्ली तो दिखा दे।
जो सिंगर जब गा रहा है वो रिदम में गा रहा है,
तो फिर वो अपने लिए गाने में बात कर रहे हैं, वो तो कमरे में चलता रहता है, लेकिन जब स्टेज के लिए गा रहे हैं, प्रेजेंटेशन के लिए गा रहे हैं, कई ग्रेटर बहुत ज़्यादा हो उसको लूज कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए।